नागरिकता कानून पर आज से शुरू बीजेपी का डोर टू डोर कैंपेन। दिल्ली में बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बोले अमित शाह, दिल्ली में सरकार बनाने का संकल्प ले कार्यकर्ता। कमांडर सुलेमानी की हत्या के बाद ईरान गुस्से में, मस्जिद पर लाल झंडा फहराकर ईरान ने किया युद्ध का ऐलान। ईरान को ट्रंप की चेतावनी, 52 ठिकानों को बनाएंगे निशाना, उत्तरी कैरोलिना से 3000 अमेरिकी सैनिक गल्फ के लिए रवाना। अमेरिकी हमले से दुनिया में टेंशन, ईरान को समझाने में जुटा यूरोपीय संघ, रूस चीन भी एक्टिव। अमेरिका ईरान टकराव पर बोले राजनाथ सिंह, युद्ध जैसी स्थिति नहीं पैदा होनी चाहिए। राजस्थान के कोटा में बच्चों की मौत का आंकड़ा बढ़कर पहुंचा 109। कोटा में जेके लोन अस्पताल में बच्चों की मौत के मामले पर केंद्र सरकार की टीम ने दी रिपोर्ट। रिपोर्ट में सामने आई बच्चों की मौत की वजह, सर्दी के चलते हाइपोथर्मिया की वजह से बच्चों की मौत, कोटा अस्पताल में 77% वार्मर थे खराब। कोटा की तरह बीकानेर के अस्पताल में दिसंबर महीने में 162 बच्चों की मौत, राजकोट के अस्पताल में भी एक महीने में 134 बच्चों की मौत। महाराष्ट्र में राज्यपाल ने सीएम उद्धव ठाकरे द्वारा प्रस्तावित विभागों के बंटवारे को मंजूरी दी। मुंबई में कांग्रेस विधायक कैलाश गोरंटियाल का इस्तीफा, कैबिनेट में जगह नहीं मिलने पर नाराजगी। दिल्ली में 150 नए मोहल्ला क्लिनिक का शुभारंभ आज सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया उद्घाटन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लखनऊ दौरा, नागरिकता संशोधन कानून के लिए महासंपर्क अभियान में हुए शामिल। वरिष्ठ बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी का जन्मदिन आज, प्रधानमंत्री मोदी ने मुरली मनोहर जोशी से मुलाकात कर दी बधाई। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने कहा, बिहार में 15 से 28 मई तक एनपीआर के लिए डाटा इकट्ठा किया जाएगा। 6 जनवरी को स्मृति ईरानी का अमेठी दौरा, कौशल विकास केंद्र का करेंगे लोकार्पण। बेंगलुरु में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में कर्नाटक के सीएम ने शुरू किया जागरूकता अभियान। प्रयागराज में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या, रंजिश की आशंका, पुलिस जांच में जुटी। मैदानी इलाकों में ठंड से राहत, पहाड़ों पर भारी बारिश, बर्फबारी शुरू, हिमाचल के केलांग में पारा पहुंचा -10। दिल्ली में आज का तापमान 8.4 डिग्री, प्रदूषण स्तर बेहद खराब श्रेणी में पहुंचा। दिल्ली में अगले 2 दिनों में बारिश की आशंका, ठंड से राहत के आसार नहीं। आज दिल्ली से चलने वाली 26 ट्रेनें देरी से चल रही, कोहरे ने धीमी की रफ्तार। दिल्ली के महिपालपुर इलाके में ठंड से कांपती मिली लावारिस नवजात बच्ची, पुलिस कर्मियों ने बचाई जान। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में 3 मोरों की मौत, ठंड के चलते हुई मौत। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल पर्यावरण पोस्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।